आईपीओ लिस्टिंग के बाद अगर कोई कंपनी एक टाइम पीरियड के बाद अगर ठंडी होना शुरू हो जाए और कंपनी अपने आईपीओ प्राइस पे आ जाए, तो सबसे पहले मैं उस कंपनी को पढ़ाई में लगाना शुरू कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा फैनफेयर होती है कंपनी को लेके, जहाँ पे लोग बहुत बड़ी बड़ी जंप लेते हैं स्टॉक प्राइस की टिप्पणी के अंदर। वहाँ पे कंपनी एक 6 महीने साल के बाद जब ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है, तो स्टॉक प्राइस अगर आपके एग्जैक्ट आईपीओ प्राइस पे आ जाए, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की वैल्यूएशन का नंबर होता है जब कंपनियों की आईपीओ लिस्टिंग हुई है। इसी थीम पे मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी है, गंधार ऑयल रिफाइनरी। कंपनी के पास अराउंड 25-26% का मार्केट शेयर है व्हाइट ऑयल इंडस्ट्री के अंदर, जो कि हमारी हेल्थ केयर और कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस के अंदर यूज होता है एक केमिकल। इस केमिकल की अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, तो पेट्रोलियम जेली जैसी चीजें या फिर आपका वैसलीन हो गया, वहां पे ये केमिकल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कंपनी का एबिटडा मार्जिन इस क्वार्टर के अंदर अराउंड 7.72% का आया है। कंपनी का पैट मार्जिन अराउंड 4.8% का है। यहाँ पे कंपनी के बारे में इसलिए बात करी जा रही है क्योंकि अगर आप नोटिस करें कि जो भी कंपनी अपनी लिस्टिंग करती है और एक टाइम के बाद शेयर प्राइस में बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी क्रिएट होती है, उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है जब स्टॉक ठंडा पड़ जाए, तब कंपनी को एक बारी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्या पता कंपनी का फ्यूचर के अंदर आपको कोई बढ़िया चीजें पता चल जाए। इस कंपनी की खासियत ही इसका प्रोडक्ट ऑफरिंग है, और इंडिया में अगर आप 25-26% के मार्केट शेयर में बैठे हुए हैं एक अपने कोर प्रोडक्ट पे, तो ये एक बहुत बढ़िया बात होती है। मैं उन कंपनीज पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो कि लिमिटेड ऑफरिंग कर रही हैं, लेकिन उस लिमिटेड ऑफरिंग के अंदर उन्होंने बम फोड़ा हुआ है। बम फोड़ने का मतलब होता है 20% से ऊपर का मार्केट शेयर अगर आपने एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया बात होती है। बहुत कम कंपनीज कर सकती हैं ये वाली चीज़ें। इससे फायदा क्या होता है, कोई भी बड़ा हेल्थ केयर का प्लेयर, कोई भी बड़ा कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाला प्लेयर, आपके पास डायरेक्ट कस्टमर रहेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपके पास वॉल्यूम प्रोडक्शन की है, आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं जहाँ पे आपको वेंडर के रूप में ये माना जाता है हमें इतनी रिक्वायरमेंट बनेगी इस क्वालिटी का, इस वॉल्यूम का प्रोडक्ट सिर्फ गिनती की कुछ कंपनीज ही बना सकती है, उसमें से एक कंपनी होगी गंधार ऑयल रिफाइनरी। ये स्ट्रेटेजी पे काम करिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज का जो ग्रो हो रहा है, वहाँ पे इनडायरेक्ट कंपनीज को भी आपको आइडेंटिफाई पे लगाना पड़ेगा। टाइम पीरियड बहुत बढ़िया होता है जब स्टॉक ठंडा पड़ जाए, वहीं पे पढ़ाई शुरू होती है, नहीं तो वॉलेटिलिटी के चक्कर में प्राइस डिस्कवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। थैंक यू।